हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इस सोयाबीन से हमने बनाया दूध और दूध बनाने पर जो यह बल्ब बच जाता है, इसका हम क्या करें। तो इसके लिए मैं माया स्वाद वेदा में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपीज। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधा कटोरी सोयाबीन का पल्प। तो मैंने जब दूध बनाया था तब इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दिया था, तो जिससे कि यह खराब ना हो। और थोड़ा सा नमक डालकर इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे कि हम चपाती बनाने के लिए आटे को मिक्स करते हैं। और चूंकि इसमें पानी है तो इसे हमें पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा सा पानी अगर लगता है तो हम पानी डालकर आटा गूंथेंगे, जैसे कि हम चपाती का गूंथते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इस तरह का आटा हमें लगाना है और इसे रख देना है ढककर 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटा थोड़ा सा और अच्छे से सेट हो गया है, और थोड़ा सा आटा लेकर लोई बनाएंगे और आटा लगाकर इसकी चपाती बेलेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल आटे की चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोयाबीन का पल्प है तो इसमें आटे थोड़ी ज्यादा लगानी होगी, तो यह जब चिपके तो इसमें थोड़ा थोड़ा आटा हम लगाते रहेंगे। तो अब क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं वैसे ही दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे और गैस पर फुला लेंगे। तो ये देखिए सोयाबीन पल्प की फुली फुली रोटियां बनकर तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे घी और घी लगाकर इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं अब दूसरी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 छोटा प्याज और 3-4 छोटी छोटी सी हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इन सबको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब लेना है हमें 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सोयाबीन का पल्प। इसमें डालेंगे हम जो अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है उसे। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 बड़ा चम्मच भरकर हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। बस अब इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसका आटा गूंथेंगे, और ये देखिए इसका आटा लगकर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो 10 मिनट के बाद आटे को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा आटा लेकर लोई बनाएंगे और इसमें आटी लगाकर इसे इस तरह से बेलेंगे। फिर थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, और इसके बाद फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर हाफ फोल्ड करेंगे। फिर इसे ट्रायंगल के शेप में हम इस तरह से बेल देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है, और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। और तवे को गर्म करके इसे हमें तवे पर सेकना है। तो दोनों साइड से थोड़ा सा सिकने के बाद इसमें घी लगाकर पराठे की तरह सेक लेंगे। तो ये देखिए सोयाबीन के पल्प का पराठा बनकर तैयार है। अब आप इसे कर्ड के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसी डो से हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो ये देखिए छोटी छोटी सी मैंने लोई बनाई है और इस तरह से हम पूड़ी बना लेंगे। तो ये देखिए सोया मिल्क बनने के बाद में जो सोया पल्प बच जाता था उससे हमने कितनी बढ़िया रेसिपी बनाई है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और सोयाबीन की और भी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।